रोगोपचार की दृष्टि से अतिरिक्त मुख्य सात प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, शीतरी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम के लिए पहले श्वास को लंबा गहरा भरते हैं और श्वास को भरने के बाद अंदर ही रोक करके रख देते हैं। इसमें जालंधर बंध लगता है, मूल बंध लगता है और आभ्यंतर कुंभक हो जाता है। योग अभ्यास में श्वास को अंदर भरना पूरक, अंदर भर करके अंदर ही रोक देना अंतर कुंभक कहा जाता है। लंबा गहरा श्वास भरा और भर करके श्वास को अंदर ही रोक दिया। और फिर आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक तो सभी कर सकते श्वास को बाहर छोड़ दिया। अभ्यास के बाद 2 मिनट और बहुत लंबे अभ्यास के बाद योगी जन 5 5 मिनट भी अभ्यंतर प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से यदि 3 से 5 मिनट किसी के शरीर को ऑक्सीजन न मिले तो हमारे ब्रेन सेल और पूरी बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन योगी तो मृत्युंजयी हो जाता है। अभ्यंतर प्राणायाम शरीर की दुर्बलता कमजोरी के लिए, जिनकी ब्रेस्ट का चीस्ट का विकास पूरा नहीं हो पाता है उनके लिए उपयोगी है, शरीर का बल बढ़ाने के लिए, ऑटोमन डिजीज के लिए, SLA MS और इसी तरह के और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। अभ्यंतर प्राणायाम के बाद अगला रोगोपचार की दृष्टि से विशेष उपयोगी प्राणायाम है चंद्रभेदी और सूर्यभेदी। चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम ये भी रोगोपचार की दृष्टि से बड़े ही उपयुक्त हैं। सीधे बैठ जाते हैं, दाएं उठाते हैं और दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लेते हैं। बाएं नाक से इतनी धीमी गति से सांस भरते हैं कि श्वास की कोई ध्वनि नहीं होती, ध्वनि रहित प्राण प्राण की गति होती है। श्वास को अंदर भर के रोक के रखा और यथाशक्ति रोकने के बाद फिर दाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देते हैं। बार बार बाएं से ही श्वास को अंदर भरना, अंदर भर करके यथाशक्ति अंदर रोक के रखना और दाएं से छोड़ते जाना, इस अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति करना, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है जो उच्च रक्तचाप के लिए, जिनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है उनके लिए उपयुक्त है। फिर इसी तरह से दाएं से श्वास को अंदर भरना, धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग होगी, अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ते जाना, बार बार दाएं से भरना, अंदर रोकना यथाशक्ति और बाएं से छोड़ते जाना, धीरे धीरे इस अभ्यास को करना। इस सूर्यभेदी प्राणायाम होता है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, अस्थमा के लिए, कफ के रोगों के लिए उपयुक्त है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बाएं नाक से श्वास को अंदर भरना और अंदर भरने के बाद अंदर ही रोक करके रख देना, यथाशक्ति रोकने के बाद कोई 10 सेकंड, कोई 20 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 1 मिनट भी रोक सक पाएगा, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से अंदर भरा, साउंडलेस ब्रीदिंग होगा इसमें भी, और यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देना, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है।
प्रारंभ में हाथ का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है, बाद में संकल्प मात्र से ही आप श्वास को भर सकते हैं। बाएं से भरा अंदर रोका, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से भरा अंदर रोका और बाएं से छोड़ा, इसको संकल्प मात्र से कर सकते हैं। ये SLA के लिए, MS के लिए, और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। और नाड़ी शुद्धि के बाद रोगोपचार की दृष्टि से विशेष रूप से उपयोगी प्राणायाम है शीतरी शीतकारी, जिनको गर्मी के रोग रहते हैं, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत शरीर से पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, इसमें शीशम के पत्ते, बिल्व के पत्ते, उनका रस पीना तो लाभकारी होता ही है, आंवला एलोवेरा का जूस पीना, सुबह उठ के पानी पीना, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना, पका हुआ कम खाना, कच्चा ज़्यादा खाना, इससे तो ठीक होते ही आप। लेकिन ये शीतरी शीतकारी ये बहुत ही उपयुक्त है गर्मी के रोगों के लिए। जिह्वा को बाहर निकाला और श्वास को भरा, मुंह को खोल करके मुंह से श्वास भरते हैं इसमें। बाकी सभी प्राणायामों में नाक से श्वास भरा जाता है, लेकिन शीतरी शीतकारी में मुंह से श्वास भरा जाता है। जिह्वा को बाहर निकाल दिया और मुंह से श्वास भरा, जिह्वा को गोल कर देते हैं, मुंह को खोल देते हैं, और इस तरह से होठों की भी आकृति गोल गोल हो जाती है। यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। बहुत गर्मी लग रही हो तो रोकने की आवश्यकता ही नहीं, श्वास को मुंह से लिया और नाक से छोड़ा। बार बार जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, ये शीतली प्राणायाम होता है। शीतकारी प्राणायाम में दांत बंद कर लेते हैं, होठ खुले हुए होते हैं, और दांतों के पीछे जीभ लगा देते हैं, श्वास अंदर भरते हैं मुंह से ही, और नाक से श्वास को छोड़ देते हैं। बार बार मुंह से श्वास भरना और दांत बंद, होठ खुले हुए, और श्वास अंदर भर के नाक से छोड़ना, मुंह से श्वास भरना, नाक से बाहर छोड़ना, ये शीतकारी प्राणायाम हो गया। कान की बीमारियों के लिए विशेष उपयोगी है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। जिनके कान बहते हों वे ना करें, लेकिन जिनको कर्णनाद की समस्या होती है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम। वैसे तो कपालभाति अनुलोम विलोम लंबे समय करने से कान का बहना और कान के पर्दे में जो छेद होता है वह भी ठीक हो जाता है, अपने आप उसकी हीलिंग हो जाती है, लेकिन जिनके कान बहते हों वे ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम ना करें। जब हम पहाड़ों में सफर करते हैं, विमान से यात्रा करते हैं, अथवा कई बार ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कर्णनाद की, और कान में जब बहुत तेज तेज आवाज होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके लिए विशेष उपयोगी है कर्ण रोगांतक प्राणायाम, जिसमें नाक से श्वास अंदर पूरा भरते हैं, पहले एक तरह से अभ्यंतर कुंभक कर लेते हैं, और श्वास पूरा भरने के बाद नाक बंद कर लेते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे और बीच की दो उंगलियों से ऐसे नाक बंद करने के बाद हवा का दबाव कानों की तरफ देते हैं, आंखों पर, कानों पर वायु का प्रेशर पड़ेगा और उससे जो है कंठ के ऊपर के जो रोग हैं उनमें विशेष लाभ होता, खास करके कर्ण रोगों में। तीन से पांच बार दबाव देते हैं, इसमें गाल पूरे फूल जाते हैं और हवा का दबाव मुंह से लेकर के कानों से लेकर के आंखों तक आता है, यह कर्ण रोगांतक प्राणायाम है।